देश के इतिहास में रेलवे क्रॉसिंग में इस तरीके के फ्लाईओवर आपको शायद ही देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ उपस्थित आप सभी शहरवासियों को मेरी ओर से जोहार, और बहुत बहुत आभार यहाँ उपस्थित योगदास सत्संग के मठ के स्वामी ईश्वरानंद जी को, जिन्होंने इस सड़क का, इस पुल निर्माण में मठ का अपना हिस्सा इस फ्लाईओवर में दिया है, तभी यह संभव हो पाया है। और आज यहाँ फादर को भी धन्यवाद दूंगा कि आज यहाँ हमें प्रोग्राम करने का जो हम यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं इसकी अनुमति दी है। और यहाँ हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री, हमारे सरकार के कैबिनेट सहयोगी, स्थानीय राज्यसभा सांसद और स्थानीय विधायक, इनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चूंकि ये रांची शहर है, एक एक इंच का बहुत महत्व है। यहाँ पर कोई भी चीज़ बनाना बहुत चुनौती भरा होता है, और जब तक सबका सहयोग ना मिले, कोई भी योजना धरातल पर उतारना बहुत कठिन सा हो जाता है। इस फ्लाईओवर के लिए जितने भी लोगों ने प्रयास, ये जरूर रहा कि कम से कम आम लोगों की जमीन ली जाए, लेकिन कहीं कहीं बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। इसमें हमारे योगदानंद आश्रम का भी थोड़ा सा हिस्सा इस फ्लाईओवर में गया है, इसकी अनुमति इन्होंने दी, इनके लिए भी इनका बहुत बहुत हम आभार प्रकट करेंगे। और चूंकि शहर जिस तरीके से जनसंख्या को लेकर के यहाँ पर और विभिन्न कारणों से यहाँ लोगों का आवागमन बढ़ रहा है, उसी प्रकार यातायात की भी चुनौती बढ़ती है। और इसके अलावा सड़कों के जाल के अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो नहीं विस्तृत, हमें उन सभी चीज़ों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। कई मायने में अगर हम देखें तो ये बहुत स्पष्ट रूप से दिखेगा कि कानून भी हम ही बनाते हैं और कानून को हम ही तोड़ते हैं। ये हमें कहीं ना कहीं बहुत स्पष्ट रूप से स्वीकार करने चाहिए कि हमें भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। आज चाहे साफ सफाई को लेकर हो, चाहे आवागमन को लेकर के हो, अपने गली मोहल्ले का विषय का बात हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां हम सब मिलकर के सभी की सहभागिता से चीजें सुधार सकते हैं। अभी आदरणीय राज्य मंत्री संजय सेठ जी ने कहा, यहाँ रेलवे स्टेशन बनने हैं, सौंदर्यीकरण होने हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ मंदिरों का जीर्णोद्धार होने हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी हम अपने ही हाथों से कुछ ऐसा नुकसान कर बैठते हैं जिसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ता है। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन पहाड़ी मंदिर में एक बहुत बड़ा गुनाह हम लोगों ने किया कि हाँ वहां पर इतना बड़ा झंडा का खंभा हम लोगों ने गाड़ने का परमिशन दे दिया और उसमें झंडा लगाया, जिसके वजह से आज पहाड़ी मंदिर खतरे में आ गया। आज क्यों नहीं फहराते हम वहां पर तिरंगा झंडा? इसीलिए हमें पूरे वैज्ञानिक रूप से चीजों को समझने जानने की आवश्यकता भी है कि कहां हमको क्या चीज करना चाहिए, उससे क्या नफा नुकसान होगा। आज ये पुल बना है, इस पुल में भी कई लोगों का छोटा बड़ा योगदान रहा है और हम चाहेंगे कि ये पुल हमेशा के लिए आप लोगों के सेवा में रहे। तो इसके लिए जरूरी है कि इसके बीच में लगे खंभे, स्ट्रीट लाइटें, उनमें कई जगह पर चोरी चमारी होने लगती हैं, लोग बेवजह जगहों पर इंक्रोच करने लगते हैं, बेवजह सरकार की संपत्तियों को भी नुकसान करने लगते हैं। सरकार की संपत्ति विशुद्ध रूप से जनता की संपत्ति है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको इस कदर कर दें कि फिर वो किसी काम के लायक ना रहे। इसीलिए ये जरूरी है। और हम हर इस राज्य में अभी आप लोगों ने देखा कि रांची शहर में ही कई फ्लाईओवर प्रस्तावित हैं। अभी लगभग 2-2.5 किलोमीटर का ये फ्लाईओवर है। ये फ्लाईओवर आने वाला समय में 5 किलोमीटर से अधिक का होने जा रहा है। अभी एक ऐसा पुल हम लोग बना रहे हैं जो यहाँ सिरमटोली चौक के ऊपर जो बन रहा है, वो मुझे लग रहा है कि बहुत ही चुनौती भरा। लेकिन ये सारे कार्य, अब ये पुल आप देख रहे हैं, मात्र 2 साल या 2.25 साल के अंदर बना है। और मुझे लगता है 2-3 महीने के अंदर ये सिरमटोली रेलवे क्रॉसिंग भी आपके सेवा में आ जाएगा और 1.5 साल के अंदर ये दोनों फ्लाईओवर एक दूसरे से कनेक्ट होंगे और जो मेकन में चढ़ेगा वो सीधा काटाटोली के पार जाएगा और जिसको बीच में उतरना है उसके लिए भी व्यवस्था होगी। तो हर एक आम नागरिकों की सुविधा अनुसार और आने वाले एक लंबे समय के सोच के हिसाब से और काफी प्रयास के उपरांत ये योजनाएं धरातल पे उतरी हैं। मुझे नहीं लगता है कि सुजाता चौक के पैरेलल में कोई दूसरा रेलवे क्रॉसिंग बनाने का कोई दूर दराज समय तक में कोई सोच भी नहीं था। लेकिन ना जाने कितने वर्षों से ये सुजाता फ्लाईओवर रेलवे क्रॉसिंग इस राज्य की जनता का सेवा कर रहा है। आखिर हर चीज का एक उम्र सीमा है। मुझे लगता था कि बहुत जरूरी है कि यहाँ पर एक पैरेलल इसका व्यवस्था किया जाए ताकि कभी भी भविष्य में कुछ ऐसी आपदा हो तो आम लोगों को इससे दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। आज धनबाद हो, रामगढ़ हो, जमशेदपुर हो, कई जगहों पर अभी लोग ऑनलाइन जुड़े हुए भी हैं लेकिन समय के अभाव में हम लोग उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं और यही कम छोटे छोटे समय को सदुपयोग में बदलें और आम लोग भी इसमें सहयोग करें। आज यहाँ सभा हो रही है, यहाँ हमारे स्कूल परिसर, एक चर्च परिसर में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। कितना अभाव है शहर में जगहों का आप अंदाजा लगा सकते हैं। कल ऐसा भी दिन हो सकता है कि आपको शादी ब्याह के लिए बगल वाले घर में जाकर के अपने पड़ोसी की से मदद लेना पड़ेगा। तो इसलिए एक सकारात्मक सोच, सकारात्मक सहयोग के साथ हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि हर चीज, रांची का क्षेत्रफल सीमित है, झारखंड का क्षेत्रफल सीमित है, वो बढ़ नहीं सकता बल्कि उसको घटा जरूर हम लोग सकते हैं अपना गतिविधि के हिसाब से। और मैं बार बार कहता हूं, शहर में हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं लेकिन पेड़ पौधा बड़ी तेजी से काट रहे हैं। नतीजा ये है,
संजय सेठ जी, सीपी सिंह जी हमसे उम्र में बहुत बुजुर्ग हैं, आज बिना घर में एसी लगा के कोई रह नहीं, बिना एसी लगाए रहा नहीं जाता। लेकिन एक समय ऐसा भी इन लोगों ने देखा कि एसी लगाने का जरूरत नहीं, पंखा भी चलाने का जरूरत नहीं था, और वो सिर्फ और सिर्फ है पर्यावरण को हम खत्म कर रहे हैं। इसीलिए हमने आपको, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है कि हमने एक योजना चला रखा है, रांची में जो आदमी पेड़ लगाएगा उसको 5 यूनिट बिजली फ्री देंगे। खैर 5 यूनिट तो अब खत्म हो गया, क्योंकि गरीबों को तो हम 200 यूनिट बिजली ऐसे ही फ्री कर दिया, और उनका बकाया बिजली भी फ्री कर दिया है, तब वो भी खत्म। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग ईमानदारी से, अब गेंदा का फूल लगाने से तो पर्यावरण ठीक हो नहीं सकता भाई, गुलाब का फूल लगाने से पर्यावरण नहीं सुधर सकता, नीम का पेड़ लगाइए, पीपल का पेड़ लगाइए, बड़ा बड़ा वृक्ष लगाइए, और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखिए, नहीं तो कल बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अभी देखिए यह चर्च परिसर कितना खूबसूरत लगता है, अगर ये पेड़ पौधा सब काट दो तो कल ये परिसर कैसा दिखेगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये बात जरूर है, सड़क के नाम पर, रेलवे लाइन के नाम पर अनगिनत पेड़ काटे जाते हैं, लेकिन लगाने के नाम पर खाली खाना पूर्ति होता है। इसीलिए हम सब लोग ये प्रण करें, हमने तो ये परंपरा ही खत्म करने का प्रयास किया है कि जितने भी गतिविधि कार्यक्रम होते हैं, जैसे अभी हमारे यहाँ कार्यक्रम हुए, आपने यहाँ देखा होगा कि किसी को कोई बुके नहीं मिला, सबको फूल का गमले में फूल मिला है, पेड़ पौधा मिला। मुझे तो लगता है ये पौधा और बड़ा वाला पौधा मिलना चाहिए, आम का मिलना चाहिए, इमली का मिलना चाहिए, बरगद का मिलना चाहिए, पीपल का मिलना चाहिए। ये बुके दे करके क्या 500,000 रुपए बर्बाद करो, ये छोटी छोटी चीजें बहुत बर्बादी का बड़ा कारण बनता है। आज संजय सेठ जी ने कहा, अभी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का उद्घाटन किया गया है, अब कूड़ा करकट शहर का गांव में नहीं लोग डालने देगा, बड़ी बार मारेगा गांव वाला, लोग बता देते हैं। इसलिए हमें भी सतर्क रहना होगा, यहाँ बड़े बड़े अपार्टमेंट बन रहे हैं, बड़े बड़े कॉलोनी बन रहे हैं, बड़े बड़े सोसाइटीज बन रहे हैं, सभी सोसाइटीज में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का व्यवस्था किया जाए। मैं विभाग को कहूंगा कि जहां बड़े बड़े सोसाइटी है, जहां 1,000 आदमी से अधिक है, वहां पर सभी जगह पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मशीनें को लगाने का आदेश निर्गत किया जाए, नहीं तो पूरा शहर का एक विभाग के जिम्मे नहीं चलेगा। हमें कहीं ना कहीं खुद में भी कड़ा होना पड़ेगा और व्यवस्था को भी कड़ा होना पड़ेगा। कई जगह हम ये समस्या सुनते हैं कि गांव वाले लोग शहर का कूड़ा फेंकने के लिए अपना जगह जमीन नहीं देना चाहता, तो ये नौबत ही क्यों हम आने दें, पहले से ही हम सुधर जाए। अभी पर्यावरण को लेकर के बहुत हुज्जतें चल रही है, दुनिया देश में सेमिनार चल रहा है, अभी कल परसों ही एक पर्यावरणविद सोनम वांगचुक जी हिमालय से चले पैदल, गांधीवादी करते करते दिल्ली में बेचारे अरेस्ट हो गए हैं, चुनाव उनाव का पता नहीं क्या क्या चक्कर हो गया, और समय नहीं है, अब आखिरी समय पर है, नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ी इतने कष्टों में रहेगी, इतने कष्टों में रहेगी जिसका अंदाजा हम लोग नहीं लगा पाएंगे। कहीं बाढ़, कहीं सूखा, कहीं कुछ, इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है विकास के पैमाने को खींचते खींचते कहीं हम पर्यावरण को नुकसान ना कर रहे हैं, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और मैं विभाग को भी ये कहूँगा, कोई भी आप इस तरीके की योजना लगाए तो पहले पर्यावरण का आप सर्वे करें, उसको हम कैसे कंपनसेट करें, उसके उपरांत चीज़ों को आगे बढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है तभी इसकी भरपाई हो सकती है। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार।